तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन का एक ऐसा अपडेट जिसे आप अपने नॉर्मल से फोटो में भी डीएसएलआर के जैसा ब्लर अप्लाई कर सकते हो और नॉर्मल पिक्सार्ट और स्नैपशॉट की तरह नॉर्मल ब्लर नहीं बिल्कुल डीएसएलआर की तरह। तो अगर आपको भी सीखना है तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमें जो लाइटरूम एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका जो फोटो है उसे सिलेक्ट कर देना, मतलब उसके ऊपर क्लिक कर देना तो आपका फोटो इस तरह का ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी ब्लर है, मैं तो पहले तो यहाँ पे इसे बैक कर लेता हूँ, मैंने इसे एडिट किया था तो ये वापस नॉर्मल हो गया। देख सकते हो बैकग्राउंड में बिल्कुल भी ब्लर नहीं है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे डीएसएलआर की तरह ब्लर ऐड करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो एडिट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो ब्लर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने का जो यहाँ पे ब्लर अमाउंट है इसे आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना और सिर्फ यहाँ पे इसे अप्लाई करने से आपका बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा, इसका थोड़ा सा और प्रोसेस भी करना है। और इसे किस तरह से आपको सेव करना है वो भी सिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी गलत वे में सेव करते हैं जिससे उनका जो क्वालिटी है वो यहाँ पे लो हो जाता है। तो यहाँ पे लोडिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है ब्लर का वो आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग रख सकते हो जितना आपको ब्लर चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ब्लर है देख सकते हो नॉर्मल सा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे डीएसएलआर की तरह इसे करना है। तो इसके लिए सिंपली आपका जो बबल वाला ऑप्शन इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का सर्किल ब्लर आएगा। अगर आप डीएसएलआर चलाते हो तो आपको मालूम ही होगा कि इसी तरह का ब्लर आता है डीएसएलआर में। और या फिर आप यहाँ पे जो रिंग वाला है इसे भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इन दोनों में से कौन सा भी यूज़ करना है जिससे आपके जो फोटो है बिल्कुल डीएसएलआर की तरह ब्लर हो जाएगा बैकग्राउंड। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे सेव करना है। सेव करने के लिए सिंपली शेयर वाला आइकॉन पर क्लिक कर देना और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे सेव कॉपी टू डिवाइस अप्लाई करते हैं, लेकिन उसे क्लिक मत करना। सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पे क्लिक कर देना और यहाँ पे जो जेपीजी फॉर्मेट और यहाँ पे लार्ज अवेलेबल या जितने भी है आपको सेम टू सेम रखना है सेटिंग और यहाँ से डन कर देना है। तो आपका जो फोटो है फुल क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा बिना कोई क्वालिटी लूज करे। सो आई गेस मैंने आपको काफी इजीली सब कुछ समझा दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।